आज हम आपको मट्ठा बनाना सिखाएंगे। तो ये हमारे पास घर की बनी हुई मतलब जमाई हुई दही है, ठीक है। तो जितनी क्वांटिटी में आपको बनाना हो उस हिसाब से आप दही ले लो। तो देखो हमने दही डाल दिया थी सारी, तो इसे अब हम ग्राइंड करेंगे, ठीक है, जिससे ये पतली हो जाए थोड़ा, जैसे ठीक है ना। तो बस उसके बाद कुछ नहीं करना यार, काला नमक डालो और भुना हुआ जीरा सिंपल पी जाओ। और अगर चाहो तो थोड़ा सा तड़का वड़का भी लगा सकते हो, बट मैं तो सिर्फ काला नमक और भुने हुए जीरे को पी लेती हूँ डालकर, और टेस्टी भी लगता है। ये देखिए, तो इससे क्या होता है, अभी आपने देखा मैं वीडियो बनाने के चक्कर में मैंने इसके कपड़े ऐसे लपेटे नहीं थे। वैसे आप इसमें कोई भी जो कॉटन का कपड़ा हो वगैरह लपेट करके फिर उसको करेंगे तो ये बाहर गिरेगा नहीं, तो मुझे तो साफ करना पड़ेगा वरना बड़ी डांट पड़ेगी। चलिए खैर अब हम अपना मट्ठा देख लेते हैं, देखिए कितना सुंदर बन के आराम से तैयार होगा, कोई थिकनेस नहीं है इसमें, एकदम गिरे। अब इसे ग्लास में डाल के थोड़ा सा काला नमक डाल दीजिए, पी सकते हैं। इसके बाद जिस भी फ्लेवर का करना चाहें, भुना हुआ जीरा डालना चाहें आप, पुदीने की पत्ती भी डाल दीजिए, तो जितना आप उसको स्वादिष्ट करना चाहें, पर केवल काला नमक डाल के देंगे तो बहुत टेस्टी बनेंगे। तो खास हमारी तैयार है बनकर। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और बेल बटन दबाइए।